पैसा तो एक और रुपया तरीन मुकाबला मितु नॉल था रिटाल कबड्डी टूर्नामेंट का पांच एक मुकाबला देखने को मिलेगा। हालांकि नॉल था भाई कबड्डी का गढ़ रहा है, बड़े बड़े सितारे नॉल था ने दिए हैं। दूसरी तरफ भाई बहसवाल हरियाणा, बहसवाल में भी चाहिए भाई इंडियन प्लेयरों की बात करें, प्रो प्लेयरों की बात करें, बहुत चेहरे बहुत नगीना ऐसे हैं जो सितारे बनकर हो रहे हैं, जिसमें ये जोड़ी जो है सुनील परवेज की बहुत बड़ा नाम है, सुमित भी सुनील के छोटे भाई हैं। इस टीम में आपको गुमान सिंह, नितेश जैसे स्टार खिलाड़ी सोनू चाकलाम नजर आने वाले हैं। मीतू भाई अपनी होम टीम के साथ खेलते हैं, ये खासियत है मीतू की। दो तीन खिलाड़ी मैंने ऐसे देखे हैं, जैसे एक नाम मैं आपको लेना चाहूँ, राजेश नरवाल मोरेडाना की टीम में अक्सर खेलते हैं, मीतू ज़्यादातर अपनी टीम के साथ खेलते हैं। मुकाबला स्टार्ट होता है साथियों, जो टीम पहले आएगी भाई वो टॉस जीतेगी। तो पहले आई थी नॉल था, टॉस जीता, कोर्ट चूज गया गुमान सिंह और गुड्डू पहली रन में, खाता खुलता हुआ गुमान का। भाई मीतू पंडित गए छोरा भाई कमाल का प्रदर्शन करता है, और रेलवे में ये खिलाड़ी है, रेलवे में सुनील भी है। ये जो किट है आप दोनों सामने देख सकते हैं, सीनियर नेशनल की किट है सोनू जागला। सोनू जागला गुजरात फॉर्चून जायंट का हिस्सा रहे लगातार, और एयरफोर्स में कार्यरत खिलाड़ी है। मीतू एकमात्र ऐसे रेडर हैं भाई जो लगातार रेड करेंगे इस मुकाबले में, लेकिन ये भाई नितेश और गुमान की कैच से बाहर नहीं निकल पाए हैं। गुमान शिखर गुड्डू इस बार ने निशाना बनाया लेफ्ट कवर को, तीन एक स्कोर। हिमांशु नरवाल तीनों के तीनों भाई स्टार रेड रहे, चाहे भाई हिमांशु की बात करें, गुमान की बात करें या सोनू जागलान की बात करें, लेकिन कैच लगाने का काम कर दिया है इस बार हिमांशु को। पर कैच लगाने का मतलब है एंट्री हो गई मित्तो की, पहले सुनील को एक हैंड टच लगाया था, उसके बाद कैच लगाई नितेश ने। शिरकत करता हुआ मित्तू मजबूत रे पैच के सामने, तीन दो स्कोर है। बोनस का अटेम्प्ट किया है समय देते हुए गुमान, कौन से मिलता हुआ डू और डाई रेड, रनिंग बोनस का प्रयास, और ये फिलाई लगाई है भाई बोनस प्लस वन में, ये स्कोर कर दिया बराबर। गुमान सिंह और गुड्डू गांव शेरपुर नंबर जस्ती गए खिलाड़ी मल्टी पॉइंट रेड का बदला भाई मल्टी पॉइंट रेड से लिया। ₹11,000 की बड़ी धनराशि
Skåne. लेकिन बोनस मिलेगा नहीं, क्योंकि जो भाई मानस के मापदंड है वो समीकरण पर पूरे नहीं उतर पाए हैं। एक पैर बोनस लाइन क्रॉस होना चाहिए, दूसरा पैर वार्म होना चाहिए उसी समय। पास कर रहा है, दो पीछे लेफ्ट में, दो पीछे राइट में, सेंटर में मित्तू। मिथुन ने खलबली मचा दी है पूरे ग्राउंड में। सब लेते वो पूरा फिर से घुमान, फिर से पॉइंट मिथुन डू टाइम कर। यहाँ टच पॉइंट नहीं मिला तो भाई मुसीबत है बड़े इनोल तारीन की, क्योंकि मिथुन एकमात्र ऐसे रेडर हैं जो इसे डिफेंस से पॉइंट अर्जित कर सकते हैं, इस डिफेंस को छका सकते हैं और बिल्कुल छका दिया। मैंने नाम लिया मिथुन का, नाम किया मिथुन ने, हमारी आवाज को बखूबी सुना है। जबरदस्त सराहना की भाई मीतू ने, मीतू पास के डिफेंस में, दो की चेन लेफ्ट में, दो की चेन राइट में, सेंटर में सोनू जागला। लंबा प्रयास किया है और डिफेंस की गहराई को नाप रहे हैं। छह स्कोर बराबर है। गुमान से रानस को कवर करके रखा है डिफेंस ने। एक और एम्प्टी रेड देखने को मिलेगी, स्कोर अभी बराबर है। एक तरफ पांच का डिफेंस, एक तरफ छह का डिफेंस, मीतू पांच के डिफेंस पर, सुनील और सुमित। सोनू जागलान आप मेरा भैया एक कमी है, यदि आपका अनुभव हजार सीटी ले लो क्या को मैं इनको गुमान को एक डिफेंस शांत कर पाएगा, और मेरे हिसाब से भाई शांत किया है गुमान को भी इस डिफेंस ने, सबको कैच लगाई है। स्कोर बराबर है, साथ साथ स्कोर बराबर। किसी ने भेजा था, किसी खिलाड़ी ने भेजो स्कोर बताओ। परमेश ने लीड पे आगे बैस वाले एक पॉइंट की, सोनू जागलान परिवार का बेटा
बिल्कुल भाई, कैच लगा रहे के साथ साथ मीतू की एंट्री, मीतू को अंदर लेकर आ गए, स्कोर बराबर 8-8। बिल्कुल भाई, भाई जो नॉल था स्कूल ले रहा था, स्कोर बराबर है 8-8 और मध्यांतर का समय करीब। एक तरफ साथ के साथ खिलाड़ी प्रयोग दीजिए है, दूसरी तरफ युवा खिलाड़ी नीतू शर्मा के नेतृत्व में, कोई बहुत बड़ा नाम नहीं है लेकिन कांटे का मैच खेल दिया है। मित्तु 5 का डिफेंस, तीन खिलाड़ी ऐसे हैं भाई जो रेलवे में कार्यरत हैं, क्या बेहतरीन बचाव किया है सुमित ने, सुनील ने इस बार अपने आप को। टू अढ़ाई का इंतजार है, छोटी रेड करेंगे हिमांशु, बिल्कुल वही काम किया है। सुनील सुनील को भाई सबसे मजबूत कौन माना जाता है, भाई निशाना बना दिया, साइड किक लगाई है, मध्यांतर का समय बिल्कुल करीब हो सकता है, लास्ट रेड देखने को ले आई, एक और रेड इसके बाद लीड में आ गई नौलथा। कुलदीप को जो बोला पता नहीं क्या बात है, बोनस का अटेम्प्ट किया है, मैं को टाइम आउट ले लिया, मध्यांतर बोनस मिलता हुआ और मध्यांतर के समय अगर स्कोर की बात करें, स्कोर बताइए बोनस लाइन में 9-9 स्कोर बराबर है भाई, दोनों टीमों का भाई साथियों 10-8 का स्कोर है, सॉरी भाई 9-9 स्कोर है, वो सेकंड कोर्ट की बात चल रही है, 10-8 का स्कोर जो है। मीतू इस समय में, और मीतू ने जान डाल के रखी है इस मुकाबले में, 4 का डिफेंस है बैशवाल के कोर्ट में, और एम्प्टी रेट हिमांशु को भी भाई फिर से कैच लगा दिया, और ये डिफेंस जबरदस्त साथ दे रहा है मीतू का, बिल्कुल भाई शानदार मैच कमाल कर दिया, बिल्कुल ये भाई काम किया है, इस बार अंजाम तक पहुंचा है सुपर टैकल को नीतीश ने, दस ग्यारह एक पॉइंट की लीड हो गया इस बार, पूरी तरह से भाई डू और डाई पर खेलना चाहते हैं मीतू नौलथा की टीम इस मुकाबले को। अगली दोनों टीमें आई मैदान नंबर एक पर, राजीव गांधी खेल स्टेडियम बी पर, तो भाई काम कर दिया काम गुमान का भी इस रेड में, और मैदान नंबर दो पर अर्जुन स्टेडियम जी
मितु तीन का डिफेंस सुपर टैकल ऑन पर तीनों वही खिलाड़ी जिन्होंने पहले सुपर टैकल को अंजाम दिया था मितु को बाहर नहीं जाता लेकिन इस बार भाई मितु ने निशाना बनाया प्रवेश को एक पॉइंट की लीड में आ गई मितु नॉल था लेकिन भाई एक पॉइंट दिया है ना ये बारी पड़ सकता है जागलान सोनू रंदन आ गए स्कोर बराबर मित्र एक बार फिर तीन के डिफेंस में क्या किया है भाई टच पॉइंट दावा का वो स्वीकार किया गया है जागरण भाई कैच लगा दी है नोल्टा की टीम ने ऑल आउट लगता हुआ मित्र नोल्टा इस समय लीड में 17-12 है स्कोर वापसी करेंगे बैच वाली ये पावर है गुमान की भाई सोनू जागलान को कैच लगाई थी सोनू जागलान ने कैच लगा दी इस बार मितु को बाहर भेजा है ये अद्भुत नजारा है भाई गुमान का लीड अभी नॉल था के पक्ष में ओ विजय और तो भाई एक और कैच लगा दिया भाई रणनीति के तहत किया गया काम है उन्होंने कहा कि आप जाइए और जाकर बोनस में कूदिए और 5 का डिफेंस रह जाएगा बोनस को बचा लिया जाएगा लेकिन गुमान का ये पावर है गुमान के पावर के सामने फेल हो रहा है नॉल ताकड़ है फैंस इस समय एक की लीड में ये नहीं होता कि बस कुलदीप पांच रन दे मात्र एक पॉइंट की लीड बची है गुमान तीन का डिफेंस सुपर टैकल ऑन लेकिन जाएंगे एम्प्टी रेड करके आएंगे लीड अभी भी एक पॉइंट किया दो का डिफेंस सुपर टैकल ऑन स्कोर भाई अंतिम 5 मिनट का समय शेष भाई कैच लगी उसके बाद भी टूट के नहीं आए ये दुर्भाग्य है बिल्कुल भाई बोनस मिलता हुआ ऑल आउट मिला है
भगवान से 19-22 का स्कोर है। 3 पॉइंट की लीड में बैंसवाल आ गई इस ऑल आउट के साथ। लो भाई एक और कैच लगा दी, 20-22 स्कोर आ गया। अंतिम 4 मिनट, 20-22 स्कोर है। अंतिम 4 मिनट का समय शेष। बोनस का अटेम्प्ट किया है, बोनस प्लस 1 जाकर गया, लेकिन नहीं भाई, 1 टच पॉइंट है। 21-22 स्कोर हो गया। कुमार बहार, सुमित बहार, देवांशु किसान की बारी खोल दी है। 500 रुपया कैच मारो, कितने मारो अर्जुन? एक कैच कर रहा है, कितने मारो? क्या मारो? सिलाई कर दो। एक कैच मारा है, 200 मिलेंगे। तो एक कंडक्टर के पास मार के पीछे मंगे। मित्र, 5 का डिफेंस। 5 का डिफेंस भाई कबड्डी में सबसे मजबूत डिफेंस माना जाता है, क्योंकि बोनस मिलता नहीं। 2 की चेन लेफ्ट में होती है, 2 की चेन राइट में, 1 सेंटर में खिलाड़ी। हद 3 मिनट का समय सोना। 21-22 का स्कोर है। 1 पॉइंट के लिए बैंस वाल के पास। एक नंबर का फर्क है, रेड पे है सोनू जानवर। इस खिलाड़ी का पकड़ लिया तो ये समझ लेंगे मैच पकड़ लिया। बिल्कुल भाई, जिस तरह से कॉन्फिडेंट लग रहे हैं, बोनस मिल जाना चाहिए। क्या बोनस प्लस 1 जाएगा? बिल्कुल बोनस प्लस 1 जाएगा। अंतिम 2 मिनट का समय शेष। अब लीड है 3 पॉइंट की। बोनस में तो 22-24। अंतिम 2 मिनट का समय है। भाई 23-24 स्कोर, 23-24 स्कोर। अंतिम 1 मिनट के आसपास का समय सही सर। भाई स्कोर कर दिया बराबर, स्कोर कर दिया बराबर। चल बेटा मीतू, भाई सुनील ने उंगली घुमा दिया। ये खासियत है, ये भाई मजाकी अंदाज कह सकते हैं या फिर आप इस मुकाबले की अहमियत कह सकते हैं। पहले उंगली घुमाई थी भाई मित्तू ने, पहले मित्तू ने भाई उंगली घुमाई थी टच मार के, उसके बाद सुनील ने काम कर दिया। ये भाई रेड निर्णायक रेड साबित हो सकती है, जल्दी रेड किया, डिफेंस अपना बचाव करेगा। डिफेंस अपना बचाव करेगा भाई, क्या स्कोर बराबर होगा, क्या स्कोर बराबर होगा भाई। गर्मागर्मी पड़ रही है भाई, गर्मागर्मी पड़ रही है। कैच भाई, जो टच का दावा किया था उसे खारिज कर दिया, मुकाबला समाप्त होता हुआ।
इस हिसाब से भाई दो पॉइंट से बाजी मारेगी वेस्ट बंगाल की टीम, अगर टच लगा तो स्कोर बराबर हो जाएगा। भाई साथियों ये मुकाबला 5-5 रेड पर पहुंच गया है। पहली रेड गुमान सिंह, 5-5 रेड पर मुकाबला है, तो अब जो वॉक लाइन है भाई वो बोनस लाइन बन गई है। बोनस का अटेम्प्ट किया है, फिर से बोनस का अटेम्प्ट और भाई टच का पॉइंट मिलता हुआ गुमान को। नौलता की तरफ से रेड में और एंकल होल्ड कर दिया भाई सुमित ने, कैच लगा दी सुमित ने, सुमित ने सुमित को कैच लगाई है। सोनू चाकला रेडरों की भरमार है, तीन जीरो स्कोर हो गया भाई मिथु इस समय में, और मिथु को भाई जाते ही पॉइंट दे दिया, 3-1 स्कोर हो गया, क्योंकि जानते हैं एकमात्र ऐसे रेडर हैं जो पॉइंट अर्जित कर सकते हैं। बोनस काट है, मैच अभी भी वॉक लाइन कवर करके रख गया, फिर से बोनस का अटैम्प्ट और बोनस मिलता हुआ 4-1 स्कोर। भाई ये बेहतरीन भाई ये ब्लॉक है, इसे कहते हैं भाई ब्लॉक। बैश वाल या परवेश बैश वाल सुनील पॉइंट याद तर सारे बैश वाल को मिले अभी तक, लेकिन अब वो मौका आ गया है। लो भाई सुमित 1, 2 या 3 भाई सुपर रेड लगा दी, लो भाई मुकाबला पूरी तरह से भाई बैसवाल के पक्ष में आ गया है। जो वो निर्णय था जिस पे जो टच का दावा किया गया था लास्ट खिलाड़ी को, ये सुमित का कमाल है भाई, मैच समाप्त होता हुआ भाई बाजी मारते हुए बैसवाल इस मुकाबले। थैंक यू धन्यवाद दोस्तों, वीडियो अच्छी लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब, मिलते हैं नेक्स्ट, धन्यवाद दोस्तों।